हाँ जी बेटा जी, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव जी बेटा जी, आर्टिकल 8.2 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव। आपने क्या करनी है बेटा जी, ट्रांसवर्स वेव जो है वो जनरेट करनी है। उस ट्रांसवर्स वेव जनरेट करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो सोर्स है या जो बेटा जी वेव जनरेट कर रहा है या बेटा जी जो पार्टिकल है उनकी मोशन जो है वो क्या होनी चाहिए, इस तरफ होनी चाहिए, और आपकी वेव जो है वो बेटा जी प्रोपोगेट करनी चाहिए दूसरी तरफ। मतलब ये है कि बेटा जी पार्टिकल की मोशन या दूसरे लफ्जों में आपकी सोर्स की जो मोशन है, जो वेव की मोशन है, उसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो बेटा जी 90 डिग्री का बनेगा। इस तरह की जो वेव जो आप जनरेट करते हो उसको बेटा जी आप नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव्स का नाम देते हैं। बहुत सिंपल है बेटा जी, हमारे पास क्या आया, पीरियोडिक वेव्स आपने जनरेट करनी है, तो आपके पास सोर्स क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। तो पीरियोडिक सोर्स बेटा जी आपका क्या है, आपका पेंडुलम भी जो है वो पीरियोडिक सोर्स है, आपका मास स्प्रिंग सिस्टम भी जो है बेटा जी वो पीरियोडिक वेव है। अब हमने जो मोशन जो है वो रखनी है बेटा जी टू एंड फ्रो रखनी है, तो उसके लिए बेटा जी आपका मास स्प्रिंग सिस्टम जो होगा वो बेस्ट ऑप्शन होगी। आपने क्या किया है, एक स्प्रिंग लिया है, उसको बेटा जी आपने किसी मास के साथ अटैच कर दिया, मास को बेटा जी आपने किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिए, वो स्ट्रिंग जो है बेटा जी वो हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई, आपने क्या किया इसको पकड़ खींचा और छोड़ दिया, तो ये क्या करना शुरू हो गया बेटा जी, ऑसिलेट करना शुरू हो गया। अब इस ये जो बेटा जी ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे की तरफ, तो इससे जो बेटा जी वेव जनरेट होगी वो बेटा जी उनकी जो शेप होगी वो बेटा जी कुछ ऐसे होगी, वो बेटा जी जो शेप है वो बेटा जी ऐसे होगी, वो बेटा जी क्या होगा, एक बार ऊपर की तरफ है, फिर बेटा जी वो मीन पोजीशन की तरफ आ गया, ये पोजीशन आ गई, नीचे की तरफ मूव करेगा, उसकी वजह से बेटा जी इस तरह की जो वेव जो है वो जनरेट होगी। अगर आपको याद हो कि साइन वेव का जो ग्राफ होता है या बेटा ये जो साउंड वेव जो है इसका जो ग्राफ है वो बेटा ये दोनों सेम है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो साउंड वेव का जो ग्राफ जो जनरेट होता है वो बेटा जी किसके इक्वल होता है, उसका ग्राफ जो है साइन वेव की तरह ही का होता है, ठीक है जी। अब आपको ये बेटा जी कोई इसमें बेटा जी क्या होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये सारे का सारा जो सिस्टम है ये आइडियल है। आप सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के साथ मास स्प्रिंग सिस्टम जो है या मास जो है ये वाली जो स्प्रिंग के साथ अटैच है वो बेटा जी मूव करती है, उसकी वजह से जो वेव जनरेट हो रही है वो बेटा जी आपकी क्या है, पीरियोडिक है। ये बेटा जी इतना नहीं है, आगे की तरफ बेटा जी इसी तरह की वेव जो है वो जनरेट होती है, सिर्फ आपको यहाँ पे बेटा जी सिर्फ एक वेव की शक्ल में मैंने दिखाया हुआ है। इस तरह की जो वेव्स होंगी वो बेटा जी ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स होंगी, ठीक है जी। अब बेटा जी इसमें इसके दो पार्ट है, एक का इसको बेटा जो मेन पोजिशन से ऊपर वाली जो पार्ट होता है इसको बेटा जी हम क्रस्ट कहते हैं, और बेटा जी जो नीचे की तरफ पार्ट होता है उसको बेटा जी हम ट्रफ कहते हैं। क्रस्ट और ट्रफ पर बेटा जी आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम द मेन पोजीशन वो बेटा जी किसके बराबर होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, या दूसरे लफ्जों में वो उसके एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। ये भी बेटा जी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा अपवर्ड, और वे ये वाला भी बेटा जो एम्पलीट्यूड होगा ये मैक्सिमम होगा। अब ये वाले जो दोनों एम्पलीट्यूड है ये आपस में बराबर है फ्रॉम द मेन पोजिशन, ठीक है जी। लेकिन इसका एम्पलीट्यूड या बेटा जिसका एम्पलीट्यूड ये वो किसके बराबर होगा, जिस बेटा जी एम्पलीट्यूड के साथ आपने मास को खींच के छोड़ा है उसके बराबर होगा। यानी इतना बेटा जी मास स्प्रिंग सिस्टम का एम्पलीट्यूड होगा उतना ही बेटा क्रस्ट का एम्पलीट्यूड होगा या बेटा जी ट्रफ का एम्पलीट्यूड होगा, ये हमेशा बेटा जी आपस में बराबर होंगे, ठीक है जी। अब
वो क्या रहा है कि ये जो बेटा जी आपकी स्ट्रिंग है क्या बेसिकली मीडियम है, तो इसका हर पार्टिकल जो है बेटा जी वो मूव कर रहा है ऊपर नीचे की तरफ, जो है वो मूव कर रहा है। और बेटा ये मूव क्या करेगा, अल्टरनेटिवली मूव करेगा। कभी बेटा ये क्रस्ट ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा यानी यहाँ पे क्रस्ट आ जाएगा, या कभी बेटा जी यहाँ पे ट्रफ आ जाएगा। अगर आप बेटा जी पूरी देखोगे तो बेटा जी उसमें अल्टरनेट होगा, क्रस्ट होगा और ट्रफ होगा, ये बेटा जी अल्टरनेटिवली एक दूसरे के साथ जो है वो सिचुएटेड होंगे या एक दूसरे के साथ साथ बेटा जी वो होंगे। ये कभी भी नहीं होगा कि क्रस्ट के साथ क्रस्ट आ गया या बेटे ट्रफ के साथ ट्रफ आ गया, अल्टरनेट होगा, पहले क्रस्ट आएगा या बेटे पहले ट्रफ आएगा। आगे बेटा जी क्या होगा, अगर पहले क्रस्ट है तो आगे ट्रफ आ जाएगा, अगर पहले ट्रफ है तो यहाँ पे बेटा जी क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा। ये अल्टरनेट बेटा जी होंगे। और ये जो क्रस्ट और ट्रफ का बेटा जो एम्पलीट्यूड है या ये जो वेव बन रही है इसका जो एम्पलीट्यूड जो है ये बेटा जी जो आपके मास का एम्पलीट्यूड होगा इसके बराबर होगा। अब बेटा जी आपने क्या करनी है, ये जो वेव जनरेट हो रही है ठीक है जी, इसकी आपने वेलोसिटी फाइंड आउट कर दी। तो वेलोसिटी या दूसरे लफ्जों में आपने वेव की जो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अगर बेटा जी क्रस्ट की आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो किसी तरीके से, जो बेटा जी इसकी वेलोसिटी होगी जब ये बेटा जी मूव करेगा आगे की तरफ, तो वही बेटा जी आपकी वेव की वेलोसिटी होगी। या अल्टरनेटिवली अगर कह दो कि बेटा जो ट्रफ की वेलोसिटी होगी वही बेटा जी आपकी वेव की वेलोसिटी होगी ठीक है। तो ये बेटा जी इनको फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, या बेटा जी हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा हार्ड आ जाता है, तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है। तो उसको बेटा जी हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ द जो है वेव जो है बेटा जी वो इनडायरेक्टली हम जो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है और बेटा जो उसकी वेवलेंथ होती है उससे फाइंड आउट करते हैं ठीक है जी। इनसे बेटा जी दो चीजें हैं, एक बेटा जी फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव ठीक है जी, और दूसरी बेटा जी क्या है वेवलेंथ। ये कैसे करते हैं ये बेटा जी एंड पे आपको रिजल्ट बताऊंगा। फिलहाल ये याद रखें कि बेटा जी किसी भी वेव की बेटा जी जो सॉरी स्पीड है वो हम दो चीजों से इनडायरेक्टली निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी और बेटा जी वेवलेंथ के। अब बेटा जी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ साइकिल पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट इन वन सेकेंड, किसी भी पॉइंट पर या दूसरे लफ्जों में बेटा जी कितनी वेव जो है एक सेकेंड में पास करेंगी वो बेटा जी उसकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी होगी ठीक हो गया। वेव कहाँ है बेटा जी, जहां से स्टार्ट होना है और वहीं पे जाके आपने एंड करना है। मतलब ये कि एक क्रस्ट और बेटा जी एक ट्रफ जो है कंप्लीट मिलके एक पूरी बेटा जी कंप्लीट वेव बनाएंगे ठीक है जी। अगर ये बेटा जी आपकी कंप्लीट वेव है इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक जो है बेटा जी जो फासला है बेटा जी ठीक है जी, जो बेटा जी उसको जो टाइम लगा है एक कंप्लीट वेव का लगा है, तो बेटा जी को क्या होगा उसका टाइम पीरियड होगा। जितना टाइम एक वेव को पास करने में लगता है वो बेटा जी इसके बराबर होता है, टाइम पीरियड के बराबर होता है। ये बेटा जी टाइम के लिहाज से आ गया। अगर आपने इसको बेटा जी देखना है डिस्टेंस के हवाले से, तो जो बेटा जी एक वेव का कंप्लीट डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होता है बेटा जी, वेवलेंथ के बराबर होता है ठीक है जी। तो ये बेटा जी हम क्या करेंगे, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के जरिए स्पीड निकाल लेंगे। ये बेटा जी ग्रीक लेटर है, इसको बेटा जी हम लैम्डा कहते हैं ठीक है जी। और ये बेटा किसको डिनोट करता है, किसी भी वेव की वेवलेंथ को डिफाइन करता है। और बेटा जी वेवलेंथ बेटा जी कहां से होगा, जहां पे बेटा जी आपकी पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है, क्रस्ट और ट्रफ आपस में मिलकर जहां बेटा जी कंप्लीट होते हैं वो बेटा जी आपका क्या होगा एक वेवलेंथ होगा। आगे जाकर बेटा जी मैं बताऊंगा मजीद कि वेवलेंथ बेटा जी कहां पर होती है। सिर्फ आप सिंपल यहां पे के याद रखें कि बेटा जहां पे आपका साइकिल कंप्लीट होगा
वो बेटा किसके बराबर होगा, उसकी वेवलेंथ के बराबर होगा, ठीक है जी। अब बेटा जी मुख्तलिफ टाइम पर इस सिचुएशन में बेटा जी वेवलेंथ क्या होगी, कितना डिस्टेंस कवर होगा, वो बेटा जी हम उसको देख लेते हैं। बुक वाला मैं नहीं कर रहा बेटा, मैं अपने तरीके से आपको समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये बात आप याद रखनी है कि किसी भी वेव की जो स्पीड है वो फाइंड आउट करने के लिए हम दो चीजें इस्तेमाल करते हैं, एक बेटा जी फ्रीक्वेंसी करते हैं, एक बेटा जी हम वेवलेंथ करते हैं, ठीक है जी। हमारे पास बेटा जी एक वेव है, वो बेटा जी पीरियडिक है, जब टाइम बेटा जी आपका जीरो था तो सिचुएशन ये है कि आपकी बेटा जी वो यहां से स्टार्ट हो रही है और बेटा जी डायरेक्शन जो है बेटा जी लेफ्ट की तरफ जा रही है, ठीक है जी। अब जब बेटा जी टाइम जो है वो टी बाई फोर के इक्वल हो गया, मतलब ये है कि आपके टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा बेटा जी वो गुजर गया, तो फिर क्या सिचुएशन होगी, तो बेटा सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी, क्या होगा आपकी वेव का बेटा जी क्या होगा चौथा हिस्सा क्रॉस करेगा, यानी वेवलेंथ का यहां से लेके यहां तक बेटा जी आपकी कंप्लीट वेवलेंथ है, ठीक है जी। तो ये बेटा जी लैम्डा बाई फोर, ये लैम्डा बाई फोर, ये लैम्डा बाई फोर और ये बेटा जी लैम्डा बाई फोर, जब टाइम पीरियड बेटा जी आपका टी बाई फोर होगा तो आपकी वेवलेंथ का बेटा जी चौथा हिस्सा जो है वो बेटा जी क्या करेगा पास करेगा, ठीक है जी। जब बेटा जी टाइम जो है हाफ टाइम पीरियड के बराबर होगा फिर क्या सिचुएशन होगी, आपकी बेटा जी सॉरी बेटा इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये आ गया, तो आपकी आधी वेव जो है बेटा जी वो पास कर देगी, मतलब ये है कि बेटा जी ये लैम्डा बाई फोर, ये लैम्डा बाई फोर, ये लैम्डा बाई फोर, ये लैम्डा बाई फोर, यहां से लेके यहां तक जो है बेटा जी वो आपका टोटल लैम्डा है, तो ये बेटा जी लैम्डा बाई फोर, ये लैम्डा बाई फोर किसके बराबर आ गया बेटा जी लैम्डा बाई टू के बराबर। अब जब आपका टाइम पीरियड हाफ ऑफ द टाइम पीरियड के बराबर होगा, टाइम नहीं सॉरी जब आपका टाइम बेटा जी हाफ ऑफ द टाइम पीरियड के बराबर होगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी आधी वेव जो है बेटा जी वो जो है वो क्रॉस कर चुकी है, कोई पॉइंट है वहां से बेटा जी, ठीक है जी। अगर बेटा जी आपका टाइम पीरियड जो है टाइम जो है बेटा जी वो थ्री टी बाई फोर हो जाता है, यानी तीसरा हिस्सा जो है बेटा जी वो हो जाता है, तो फिर क्या होगा, आपकी वेव जो है बेटा जी लैम्डा बाई टू सॉरी लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, ये बेटा जी लैम्डा बाई टू हो गया, टोटल जो बेटा जी होगा यहां से लेके यहां तक जो बेटा जी वो थ्री लैम्डा बाई फोर होगा। जब आपका टाइम पीरियड बेटा जी तीसरा हिस्सा आपके टाइम पीरियड का होगा थ्री बाई फोर हो गया, तो आपकी वेव जो है बेटा जी उसका तीसरा पार्ट जो है वो बेटा जी आगे की तरफ जो है वो पास कर देगा, और जब बेटा जी आपका टाइम जो है वो पूरे टाइम पीरियड के बराबर हो गया उस वक्त सिचुएशन क्या होगी, आपकी पूरी की पूरी वेव जो लैम्डा के बराबर है वो बेटा जी इस पॉइंट ओ से गुजर जाए, जब टाइम पीरियड जो है बेटा जी वो टी बाई फोर हुआ आपकी क्वार्टर वेव गुजरी,
और जब बेटा टाइम पीरियड हाफ हो गया तो आपकी हाफ वेव गुजर गई, और जब बेटा जी थर्ड क्वार्टर हुआ टाइम पीरियड तो आपकी बेटा जी वेव का तीसरा हिस्सा जो है बेटा जी वो पास कर गया, और जब आप बेटा जी टाइम जो है वो टाइम पीरियड के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी वेव जो है बेटा जी वो पॉइंट ओ से जो है वो क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अगर हम इसकी स्पीड निकालना चाहते तो ये बेटा किसके बराबर आ गया, अगर हम लेंथ के लास लेते हैं तो लैम्डा के बराबर आ गया, और ये बेटा किसके बराबर आ गया, उसके टाइम पीरियड के बराबर आ गया। तो हमें सीधा सीधा फार्मूला है कि हमारे पास जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है बेटा जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय बेटा जी जो उसका टोटल टाइम होगा, या बेटा टाइम कंज्यूम्ड। ठीक है, डिस्टेंस बेटा जी कितना ट्रेवल हुआ है, लैम्डा, और बेटा टोटल टाइम बेटा जी क्या है, उसका टाइम पीरियड। ठीक है जी, इसका मतलब है उसकी जो स्पीड होगी वो किसके बराबर होगी, लैम्डा ओवर टी के बराबर होगी, और बेटा ये हमें पता है कि वन ओवर जो टी होता है वो किसके बराबर होता है बेटा जी, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो मतलब ये है इसको अगर मैं लिख लूं लैम्डा वन ओवर टी, और ये बेटा जी क्या आ जाएगा, एफ लैम्डा आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ साउंड वो किसके बराबर होगी, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो फिर बेटा जी जो मैंने पहले कहा था कि किसी भी हम वेव की जो स्पीड है किन चीजों से निकालते हैं, बेटा जी उसकी फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं और बेटा जी उसकी वेवलेंथ के साथ निकालते हैं। तो ये बेटा जी सारी की सारी जो मोशन है ये बेटा जी क्या है, ट्रांसवर्स वेव की जो मोशन है और उसकी बेटा जो हम स्पीड निकालते हैं वो बेटा जी हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है जी।